सरोकार। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जारी करेंगे बाघों की गणना के आंकड़े। कांग्रेस का ऐलान, देश भर में चलाएंगे जन आंदोलन, राहुल गांधी का समर्थन करने वाले विपक्षी दलों का लेंगे साथ। पीएम मोदी पर बरसे केजरीवाल, बोले आजाद भारत के इतिहास में कोई 12वीं पास और सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हुआ है। कर्नाटक की मुंबई सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण को किया खत्म, वो कालीगा और लियांगत समुदाय को छोड़ा गया कोटा। महात्मा गांधी को लेकर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, बोले केवल हाई स्कूल पास थे महात्मा गांधी, नहीं थी लॉ डिग्री। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। रायबरेली सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया। राहुल गांधी इससे पहले अमेठी की सत्ता गंवा चुके हैं और अब वायनाड भी हाथ से निकल चुका है। वहीं इससे नाराज रायबरेली के कांग्रेसियों ने कल शहर में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। जी साफ सुथरे नेता हैं, किसानों की आवाज़ें, बेरोजगारों की आवाज़, महिलाओं के लिए बराबर संघर्ष करते रहते। भाजपा सरकार उनकी आवाज़ दबाने के लिए, सत्य को बाहर ना लाने के लिए तरह तरह से चीज़ें कर चुकी है। जब वो अपनी उनकी सत्य की आवाज़ को रोकने के लिए उन्होंने संसद में राहुल गांधी की सदस्यता का भंग करने की बात की, तो हम सब रायबरेली की जनता सड़कों पर निकल आए हैं और संघर्ष में राहुल गांधी जी का साथ देंगे और इससे भी हम लोग डरेंगे नहीं। एक बेहतर पार्लियामेंटेरियन को जिस तरह से बर्खास्त किया गया, उसकी सदस्यता को समाप्त किया गया कि इस देश के नौजवानों की आवाज़ ना उठे, इस देश के किसानों की आवाज़ ना उठे और इस देश के जो चोर हैं, जो इस देश की संपत्तियों को लूट रहे हैं, उनकी आवाज़ ना उठे। इसलिए ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के खिलाफ हम रायबरेली के कांग्रेसजन सड़क पे हैं और इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक देंगे और हम सब मिल के इसको लड़ेंगे। आज पूरा देश, जितना विपक्षी देश का है, वो आज राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। जी जी, राहुल गांधी जिला प्रशासन के आदेश पर क्षेत्र के ईंट भट्टों पर एसडीएम ने छापेमारी कर विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल की है। छापेमारी के दौरान 2 ईंट भट्टे पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अनुमति का पत्र नहीं मिला, जिसके बाद एसडीएम ने दोनों ईंट भट्टों को तोड़वा दिया। छापेमारी से ईंट भट्टा मालिकों में हड़कंप मच गया है। वहीं पहले भी 18 ईंट भट्टे पानी डालकर बंद कराए जा चुके हैं। बता दें कि अब तक क्षेत्र में 1.5 दर्जन अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टों पर कार्यवाही की जा चुकी है। किसी भी कीमत पर अवैध तरीके से चल रहे भट्टों को नहीं चलने दिया जाएगा। वहीं पर आपको बता दें, कार्यवाही में राजस्व विभाग की टीम, तहसीलदार गजेंद्र पाल सिंह, नायब तहसीलदार मयंक गोयल और प्रदूषण विभाग की टीम मौजूद रही। के साथ जो है संयुक्त रूप से जो अवैध भट्टे संचालित हो रहे थे उन पर जो है चिन्हित कर उन पे पानी डलवाया गया है और साथ ही जेसीबी से उनके चैम्बर एवं पकी हुई ईंटों को तोड़वाया गया है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लगभग कितने भट्टों पे कार्रवाई हो चुकी है अब तक? लगभग 18 भट्टों पे कार्रवाई हो चुकी है और आगे भी हम ये लोग ये अभियान आगे भी जारी रखेंगे। मैम, भट्टा संचालकों को निर्देश भी दिए हैं, उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। कुछ भट्टे जो हैं Yeah.
लखनऊ में एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है, जिस दौरान एलडीए की छवि धूमिल करने वाले दो निलंबित बाबू बर्खास्त किए गए हैं। बता दें कि विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कार्रवाई की है। इन बाबुओं के खिलाफ अलग अलग थानों में FIR दर्ज है। ये दोनों बाबू काफी समय से निलंबित चल रहे थे। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने कठोर कार्रवाई करते हुए दोनों की बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए। प्रयागराज जनपद के बहादुरपुर विकास खंड अंतर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवा बनी में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जहां उन्होंने अस्पताल का जायजा लिया और साथ ही अस्पताल में हो रही सुविधाओं और कमियों के बारे में जाना। वहीं मीडिया से बात करते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जिस तरीके से COVID-19 जैसे वैश्विक महामारी के समय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवा बना, डॉक्टर और स्टाफ ने बहादुरी का काम किया है, इसी तरीके से जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के डॉक्टर और कर्मचारियों को करना चाहिए और इससे उनको सीख लेनी चाहिए। अधिकांश मरीजों को स्वस्थ और मैं गया था सभी डॉक्टर व्यवस्था चल रही सर। कोरोना काल में अस्पताल कमियाँ जो है जो डॉक्टर ने रखा कुछ आवश्यकता है उसको मैं स्वास्थ्य सर। कोरोना काल में अस्पताल बहुत कामगार बना था, यहाँ के स्टाफ बारे में कहना है सर। कोरोना तो लगा कि अच्छा स्टाफ था। हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का RR इंटर कॉलेज में आयोजन किया गया, जिसमें गरीब परिवार के 1052 जोड़े शादी के बंधन में बंधे हैं। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री अतिथि के तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अखिलेश, राहुल और फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी कभी राजनीति में बड़े नहीं हो पाएंगे, ऐसे इमेच्योर बयानों को देकर अपने को एक हंसी का पात्र बनाते हैं। वह एक जिम्मेदार पद पर है तो जिम्मेदार बयान भी देना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बयान पर मंत्री ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। बनाया है और एक मुख्य जो मकसद सरकार का है कि गरीब कन्याओं का आर्थिक आधार पर कमजोर कन्याएं हों चाहे वर हों, उनका विवाह संपन्न करा के उनको आर्थिक मदद भी देने का और साथ ही साथ एक ये पुनीत कार्य है कि हम अपनी बेटियों को, प्रदेश की बेटियों का विवाह संपन्न करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और पूरे प्रदेश में ऐसे ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह करा के हम उत्तर प्रदेश की रहने वाले अपनी कन्याओं का विवाह संपन्न कराते हैं। सर, एक आजकल सारस और आसिफ की कहानी बहुत चर्चा में आ रही है, काफ़ी वायरल हो रहा है उसका वीडियो। आसिफ के यहाँ से सारस जो था, उसका जो दोस्त था, उसको पकड़ के बिहार में छोड़ दिया गया और सारस फिर से उड़ के आसिफ के पास आ गया। अखिलेश यादव का इस पर एक स्टेटमेंट आया है कि मैं गया था आसिफ से मिलने, इसलिए बाराबंकी में सुधिया मयूर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे विभाग ने एक प्राइवेट कंपनी को आवास बनाने का ठेका दिया है। आपको बता दें कि जिसमें संबंधित कंपनी के भ्रष्ट ठेकेदार आवास बनाने में पीली ईंट और घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रेलवे विभाग द्वारा दावा करता है कि हमारे निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की कोई घटिया सामग्री नहीं लगाई जाती है। आवास में इस्तेमाल किए गए ईंट की गुणवत्ता की जांच की गई तो उसमें खंड खंड हो गए। अब देखना यह है कि रेलवे विभाग इस घटिया निर्माण कार्य बनाए जाने पर संबंधित लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्यवाही करती है। लिविंग रूम है और किचन है, बाकी भी सब टोटल व्यवस्था है। मानक के अनुसार जो इसमें मटेरियल लगता है वो उसके विपरीत कार्य किया जा रहा है। इसमें ईंटा जो लग रहा है वो मानक विहीन ईंटा है, इस पर बताइए आप। वो तो अभी इसकी सामर्थ्य क्षमता चेक करनी पड़ेगी।
तभी पता लगेगा। तो अभी हम चेक कर रहे हैं और रेलवे का कार है तो ये मजबूत होना चाहिए। कौन है इसका ठेकेदार? ये ठेकेदार है हमारे साहब त्रिपाठी जी। नाम पूरा बताइए। लखनऊ में बीमा कंपनी में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि कृष्णा नगर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने गिरोह में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी मेट्रो स्टेशन के पास फर्जी ऑफिस खोलकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, वहीं पेपर और बैबलेट बांटकर बेरोजगार युवक और युवतियों को फंसाने का काम करते थे। थाना कृष्णनगर द्वारा जेल भेजे जा चुके हैं। इस संबंध में धारा 420, 467, 471 इत्यादि के अंतर्गत थाना कृष्णनगर पर 2022 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था और ये लोग कृष्णनगर मेट्रो स्टेशन के पास में इन्होंने एक अस्थायी ऑफिस अपना खोला था जहां पे अक्सर ये लोगों को नौकरी देने के नाम पर बुलाते थे और वहां पर उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट करते थे और नौकरी देने का अश्योरेंस करते थे। इसके बाद जब इनके दो साथी पकड़ गए, फिर ये जो दो साथी अब पकड़े गए हैं जिन इन साथियों ने एक नया ऑफिस सरोजनी नगर में खोल लिया। मैनपुरी के थाना अलाउ क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दो बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं इस मुठभेड़ में एक तमंचा, 7 कारतूस और एक मोटरसाइकिल मौके से बरामद किए गए हैं। बदमाश पर अन्य जनपदों में 25 मुकदमे दर्ज थे। सूचना मिलते ही SP विनोद कुमार, एडिशनल SP राजेश सिंह और CO CT संतोष कुमार मौके पर पहुंचे। कहाँ जा रहे थे? रोड पर थे। अच्छा, तुमने गोली चलाई? अच्छा, कितने लोग थे तुम्हारे साथ? चार पांच लोग थे। मरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पे तीन बदमाश आते हुए दिखाई दिए, तो इन्होंने चेक करने का प्रयास किया तो पीछे मुड़ करके भागने लगे और एक साइड के खेतों की रोड की तरफ गए और जैसे ही पुलिस ने घेराबंदी की तो ये फायरिंग करने लगे और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की तो उसमें से एक बदमाश जिसके पैर में गोली लगी है उसको पकड़ लिया गया है। उसके कब्जे से एक अदद कट्टा और 7 कारतूस बरामद हुए हैं और कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुई है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।